किताबों के नाम पर होने वाली लूट को रोकने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, पर स्कूल्स द्वारा बच्चों को अपनी लूट का शिकार बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लिया जाता है। ऐसा देखने को मिला है श्री राम आश्रम स्कूल में, जहां स्कूल द्वारा लगाई किताबों की दुकान स्कूल के सामने ही खोलकर बच्चों से मनमानी कर रकम वसूल की जाती है, जिस कारण बच्चों के माता पिता द्वारा किताब की दुकान का घेराव किया गया तथा स्कूल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और मांग की गई कि उनको बताया जाए कि बच्चों को जो सिलेबस लगाया गया है वह बाजार में दुकानों से खरीद सके और स्कूल द्वारा की जा रही लूट से बच सके। इस बारे जब स्कूल की प्रिंसिपल से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनके द्वारा कोई दुकान नहीं खोली गई, बच्चे जहां मर्जी से खरीद सकते हैं। देखो जी, कारण है स्पष्ट या सीधा कि असी राम आश्रम स्कूल दे पेरेंट है। राम आश्रम स्कूल दे अंदर आ गए, अज असी राम आश्रम दी प्रिंसिपल मैम नू मिले। असी कहा पूरा शहर असी छान मारिया, सानू सिर्फ इन्ना दस दो कि पूरे शहर दे विचों तुहाडे स्कूल दीआं किताबां जिहड़ियां तुसीं लागू करवाईआं कित्थों मिलणगीआं। असीं 50 दुकानां फिर के आए, सानूं कित्थों नहीं मिलियां। इहनां दा ठेका इहनां दे स्कूल दे सामने, मैं तुहानूं इशारा करन जा रहा, इह सामने इहनां ने इस दे सामने एक स्कूल दे बिल्कुल सामने मजीठा रोड वाली साइड अपना एक काउंटर ला दिता वै, डम्मी काउंटर जिहनूं कहांगे। उहदे विच इहनां ने अपने सारे स्कूल दे जिहड़े मैनेजमेंट स्टाफ दे बंदे बिठा के ते किताबां इत्थों वेचण दे ने, जिहड़ा कि बिल्कुल गलत हैगा। इह स्कूल इक NGO वल्लों चलाया जांदा तो ये बिल्कुल गलत है कि सारे स्कूल दिया किताबा ने कमर्शियल एक्टिविटी की जाए। असी प्रशासन तो यह मांग करते हैं कि असी ऑफिस ऑफ द फीस कमेटी चंडीगढ़ तो जो केस जीत चुके हैं, जिद ऑर्डर आ चुके हैं कि किताबा जस्टिस अमरदत्त कमेटी तो अपना ऑर्डर आ चुके हैं कि जड़िया किताबा रीएडमिशन होर जोड़े मसले यूनिफॉर्म के मसले और किन्ने योजे मसले जोड़े पेंडिंग पे हुए असी सारे ऑफिस ऑफ द फीस कमेटी तो जीत चुके हैं और असी एहो ही मांग करते हैं प्रशासन तो कि इन्हें जल्दी तो जल्दी लागू करवाया जाए। सर, असी धरना बुक से एक तो लगाया, दूसरा असी धरना यह लगाया वह कि साढ़े बच्चे रिजल्ट लैन आए, असी पेरेंट्स नाल आए हैं, बच्चा वीडियो बना रहा सी, पता नहीं किस चीज़ की बना रहा सी, और मैं पेरेंट्स के नाल खड़ी सी। कंप्यूटर वाले सर राकेश जी ने मेरे बच्चे का मोबाइल खोया, असी सारे स्कूल चो नू छानिया पेरेंट्स से, सानू बच्चा नहीं मिले, पेरेंट मोबाइल नहीं मिलया। असी बड़ा शोर मचाया कि साडा मोबाइल दे दो, साडा मोबाइल दे दो। 15-20 टीचर ने मेरे हाथापाई की है और मैं बड़ी मुश्किल उन्होंने को छुट के बाहर आई। सर, गुंडागर्दी इस करके करते पे कि कहते पे कि साडे फालतू खर्चे वधी जाण, असी जो मर्जी करते रहिए ते पेरेंट्स कुछ ना बोलन, जो असी पैसे भरते पे पेरेंट्स भरी जाण। सर, 12 पब्लिशर की बुक्स लगी है, सुंदर दास तो मिलनियाँ, होर कितों मिलनियाँ नहीं गियां। असी पेरेंट्स परेशान हाँ, जी 2000 दी बुक्स हैं सानू 5-5, 6-6 हज़ार च मिल रही हैं और प्रिंट रेट से मिल रही है, कोई लैस नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। और यूनिफॉर्म से भी इन्होंने कहा सरदार पगड़ी हाउस तो ही लेना वै, और भी इन्हों की कमीशन है, बुक्स भी इन्हों की कमीशन। नहीं नहीं, किताबा नहीं मैं बेचता गा, मैं एक जर्नल एक सारे दे एक न्यूट्रल होकर आया हाँ कि जिस हिसाब से मैं सुन रहा सारे जिस तरह मैं सारे व्यू सुन रहा कि असी तोड़ देंगे अग लगा देंगे उस करके ऐसे तो मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी। क्यों? यहाँ आप एक बात भी मेरे साथ बात करें, मैं नहीं दे। रिजल्ट्स आ रहे हैं पिछले तकरीबन 3-4 दिन से, हमारे दो क्लासेस के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं और पिछले 3-4 दिन से हो रहे हैं। आज हमारा 3rd और 4th का रिजल्ट था, 3-4 दिन से कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आ रही। हम रिजल्ट दे रहे हैं, अपने नोटिस बोर्ड पे बुक लिस्ट लगा रहे हैं। आगे पिछले साल तक क्योंकि ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं थी, बुक्स सारी स्कूल से अवेलेबल होती थी पेरेंट्स को। इस बार कुछ हमें लगा कि स्कूल से बुक्स ये नहीं होनी चाहिए। पिछले ड्यूरिंग द ईयर हमें DO साहब ने कहा था कि आप कॉपीज़ स्टेशनरीज वो बुक के बच्चों की कन्वीनियंस के लिए बुक्स स्कूल ये वाली स्टेशनरी आइटम्स और नोटबुक स्कूल से दे सकते हो, पर बुक्स नहीं दे सकते। CBSE की भी गाइडलाइंस आई तो इस बार हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई शॉप नहीं मुकर्रर करी, कुछ नहीं हुआ। हमने बुक लिस्ट लगा दी, रिजल्ट जिस जिस क्लास का उस क्लास की बुक लिस्ट साथ में लग गई। आज जो है 3rd और 4th का था, उसमें शायद हमारे 2-3 पेरेंट्स हैं जो पिछली बार भी बहुत एक्टिव थे, उन्होंने आके स्कूल में सुबह बड़ी कमोशन करनी शुरू कर दी। नेचुरली अगर इतनी अनरेस्ट स्कूल में क्रिएट होएगा तो स्टाफ भी इकट्ठा हो जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। बुक लिस्ट हो गई, उसके बाद ये लोग अंदर आके
शोर करना शुरू कर दिया। स्टाफ ने कहा जी हमने कोई कंपल्शन नहीं करी हुई, हॉल गेट में है, कहीं भी जहाँ भी बुक शॉप्स हैं सारी वो आप वहाँ से ले लो, एक अक्रॉस द स्कूल कोई बुक शॉप है आप वहाँ से ले लो, हमारी तरफ से आप जहाँ से मर्जी लो। अब वहाँ पे फिर इन्होंने शुरू कर दिया, छोटे छोटे थर्ड फोर्थ के बच्चे मोबाइल्स लेके स्कूल के अंदर वीडियोस बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो स्टाफ ने उनको कहा कि बच्चों को वैसे भी स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं होता, स्कूल के अंदर वीडियोग्राफी नहीं अलाउड होती, पेरेंट्स को भी पता है, बच्चों को भी पता है। स्टाफ के किसी ने कहा कि बेटा यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, उन्होंने बच्चे से मोबाइल ले लिया कि बेटे मत करो ऐसे, ये अलाउड नहीं है। जब बच्चे इन्वॉल्व होते दो मिनट बाद चार मिनट बाद मोबाइल उनको रिटर्न भी कर दिया बंद करके कि ये कर लो। अब उसमें उन्होंने फिर उसको इशू बना दिया। फिर उन्होंने मेरे स्टाफ को आज अटैक किया पेरेंट्स ने, जिसको देख के कुछ पेरेंट्स और जो वहाँ खड़े थे उनको बुरा लगा। उन्होंने उनको कहा कि स्टाफ पे इस तरह अटैक नहीं होना चाहिए। लेडीज अटैक में क्या किया उन्होंने? लेडीज स्टाफ को धक्का धुक्का दिया। अच्छा। एक मेरा मेल स्टाफ मेंबर है ऑफिस का, उसको लड़के को पुश किया, शायद उसके गर्दन पे भी चोट आई है। ठीक है, जब नेचुरली उसको सबको चार लोगों ने पकड़ा तो लेडी स्टाफ वहाँ जो भी स्टाफ मेंबर्स खड़े थे उन्होंने छुड़ाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इट डजेंट लुक नाइस कि हम स्कूल के कैंपस में खड़े होकर इस तरह की हथापाई करें। ठीक है ना, जब सानू किया गया कि स्कूल दा उच्च रोल नहीं होना चाहिए, असी किसी भी शॉप नू असी प्रमोट नहीं कर सकते, किसी पब्लिकेशन नू या किसी शॉपकीपर नू, ना असी कर रहे हैं ना असी करना। ठीक है, असी ओपन चॉइस पेरेंट्स नू देती कि बच्चे को ले बुक्स चाहिए तुसी ये बुक्स भेज दो जितों मर्जी पाए। लेकिन मैडम वो कह रहे हैं हम जितनी भी शॉप पे गए हैं वहाँ पर ये बुक्स अवेलेबल नहीं है, मिली तो यहीं पर मिली है। मेरी बात सुनो ना, अभी तभी मैं कह रही हूँ, तभी हमने इतने दिन पहले कर दी ना बुक लिस्ट लगा दी। इतने दिनों में तो अगर पब्लिशर से डायरेक्टली भी वो मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। आपने एक बुक ऑर्डर करनी होती है, चार दिनों में बुक आपके घर पहुंच जाती। ठीक है ना, उसमें तो कोई रोल नहीं, उसमें कुछ और आप पूछना चाहें।